वजह से। को तो हिटलर होता, मैं तो 11 को लाइन में खड़ा करता मैं। अमर आजम नंबर 4 पे, ओ भाई वर्ल्ड कप कोई मजाक समझा वे। चलो एक मेनू भी आ जंदा, हुण ते कुछ भी नहीं आला, घर लैन भी रोटी बंद कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट बैट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों आज वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रो रो के बहुत बुरी हाल है। वो कह रहा है कि बाबर और रिजवान को पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो शेयर कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलो दोस्तों इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं जानते हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुक्र करें मैं हिटलर नहीं हूँ, क्यों अब आप चस्का ले रहे हो? एक तो आप जो बताना चाहें मैं क्या बताऊं सर जी इस बारे में, अब आप काम का उसके ऊपर वो चढ़ाओ क्या, अब फीलिंग्स नहीं है कुछ बताने की। देखिए आपके ख्याल में हमारे पास सुनहरी मौका था ये वर्ल्ड कप जीतने, हम जीते हुए थे, हम 100% जीते हुए थे। इनको तो हिटलर होता, मैं तो 11 लाइन में खड़ा करता मैं। नहीं कहाँ गलती, कहाँ पे गलती, कहाँ पे हुई? सारी गलतियाँ थी। ये फाइनल, और ये फाइनल था, ये फाइनल खेलते हैं, ये तो वार्म अप मैच खेलता जो ये खेल के आए हैं फाइनल। पाकिस्तान की तरफ से बोलिंग में उसने विकेट निकाल के दी आपको, फिर वो आउट शाहीन और शराब ने कर दिया। सेमीफाइनल में भी आपके बॉलर्स ने आउट किए थे वहां पर 150 के ऊपर, आपके बॉलर्स ने रिस्पेक्ट किया था जिसकी वजह से आपने कंप्लेंट कर दी। हमने तो क्रेडिट ही नहीं दिया बॉलर्स को, हम तो बोले हमारी बैटिंग ने बस 150 बना दिया, तो बल्ले 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 बल्ले। लेकिन अली साहब आज जो आपकी इंटेंट थी ना, इतनी माजरत इंटेंट थी, इतनी डिफेंसिव इंटेंट थी, इतनी नेगेटिव अप्रोच थी, यकीन कीजिए दिल दुख गया यार। लेकिन यार ये बल्लेबाजी है, ये नंबर 1 बनते हैं अपने आप में, ये रिजवान नंबर 2 पे है, बाबर आजम नंबर 4 पे, ओ भाई वर्ल्ड कप कोई मजाक समझा हुआ है? पिछला सेमीफाइनल हार गए, फाइनल हार गए एशिया कप का, और फिर फाइनल हार गए, 1992 का फ्रॉड लगाया हुआ था हमारे साथ, और भाई वो ओडीआई था, ये T20 मैच है, तुमने तो ओडीआई समझ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। ये वर्ल्ड कप हमारा था, इसमें कोई शक नहीं था, अगर 20 स्कोर और ऊपर होते ना तो ये वर्ल्ड कप करता ना, करते क्यों नहीं किया? यही आज देखे ना, बेस्ट लोग ने क्या किया, बस वो खड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं खास किया, कोई खड़ा रहा, टाइम दिया बस, कोई खास इनिंग्स नहीं थी बेन स्टोक्स की, कुछ नहीं उसने किया। बात आपको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, आप समझ लें। नहीं, आपके अंदर ईगो इतनी बढ़ गई है ना, आप लोगों के अंदर इतनी ईगो आ गई है, इतनी ईगो आ गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या गलतियां करे जा रहे हैं। लास्ट मैच में आपने सेमीफाइनल में स्कोर कर दिया, फिर भी ये बात कह रहे थे हम लोग कि आप वन डाउन प्लेयर खेलेंगे, वन डाउन बहुत अच्छा खेल सकते हैं, हाई स्कोर भेजना चाहिए था, ओपन करवाना चाहिए था, ओपन वो अच्छी कर लेता, पावर प्ले में स्कोर हो जाता। नहीं, ईगो है ना, नंबर 1 रहना है, आगे एक तो रैंकिंग की बात भी है ना, क्योंकि रिजवान और इनमें पता नहीं कौन सा टाकरा चल रहा है कि नंबर 1 बनना है। नंबर 1 का कोई फायदा नहीं आपका, इस नंबर 1 से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है कोई फायदा नहीं है 40 बॉल पे 50 रन बनाने का या 50 बॉल पे 50 रन बनाने का। आप जो है बनाना बॉल खेलते हैं, आप वनडे में जाके खेलें या टेस्ट में जाके खेलें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।